नमस्कार दोस्तों, मैं संजय निम्बाट, जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, जो कि आप सभी हमारे पीछे देख सकते हैं। यह किला बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर देखने को। और इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द कंट्री, यानी कि यह दुर्ग भारत में स्थित बड़े किलों में से एक है। और इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागृह, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवार पर तैनात ये प्राचीन तोपे, चामुंडा माता का मंदिर, कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ है देखने को। इस किले की एक इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना है और जिसे मैं आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत करूंगा। और उस घटना की वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके यहां पर पहुंचे या फिर अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेके आए, किसी भी तरह से आप यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आते हैं तो ये पार्किंग एरिया जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। व्हीकल पार्क करके हम बढ़ते हैं मेहरानगढ़ की ओर, जहां पर सबसे पहले चेकिंग पॉइंट नजर आता है, जहां पर हमारी और हमारे बैग में रखे सामान की चेकिंग की जाती है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले का टिकट है वो है 200 रुपए पर पर्सन, जो कि यहां के लोकल से लेकर दुनिया के किसी भी कोने से आए यात्रियों के लिए सेम है। कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि अंदर किसी भी तरह की सेल्फ स्टिक, किसी भी तरह का ट्राइपॉड, किसी भी तरह का गिम्बल या किसी भी तरह की स्टेबलाइजेशन की यहां पर परमिशन नहीं होती। काफी सारी सख्त चेकिंग होती है, उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट के मुख्य द्वार से ठीक पहले कुछ छत्रिया है, जिन्हें उन वीरों की स्मारक के रूप में बनाया गया है, जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गवाए और वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें ठाकुर चौहान श्याम सिंह जी की छत्री और ठाकुर खींची दुर्गा दास की छत्री शामिल है। तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार, जहां से हम इस दुर्ग में एंट्री करने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। जिस पॉल से मेहरानगढ़ दुर्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसे जय पॉल के नाम से जाना जाता है। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा, जिसका मूल्य है 200 रुपए प्रति पर्सन, यानी कि 200 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा है, जिसमें आपको शुल्क की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमने अपना टिकट ले लिया है और अब हम बढ़ने जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। यहाँ पर आपके पास दो रास्ते होंगे, अगर आप चाहें तो लिफ्ट का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन यह चार्जेबल है। लिफ्ट का चार्ज होता है 50 रुपीज पर पर्सन। यह सिंगल साइडेड है, यानी कि एक तरफा चार्ज। और अगर आप चाहें तो पैदल मार्ग का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर की ओर जा सकते हैं। यहां पर आपको एडवेंचर स्पोर्ट फ्लाइंग फॉक्स यानी कि जिप लाइन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका मजा आप यहां पर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ जरूरी जानकारी। अब चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब जिस द्वार की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेट कामरगड़ा पोर्ट, जिसे लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराने टाइम में किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इस द्वार से सटी दीवारों के ऊपर जो आप छेद देख पा रहे हैं, जो होल दिखाई दे रहे हैं, ये है तोपों के गोलों के निशान, जो कि 1808 में युद्ध के दौरान दीवारों पर लगे थे। और ये है टूटा हुआ दरवाजा लखन पॉल। लखन पॉल से आगे बढ़ते ही कुछ लोकल आर्टिस्ट नजर आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार म्यूजिक प्ले करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट रावण हत्ता के साथ। यही पास में आपको एक तोप रखी दिखाई देगी, जो कि दुश्मन हमले के लिए तैनात रखी जाती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ के तीसरे मुख्य दरवाजे की ओर। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करते ही आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का एक मेस्मराइजिंग सीन नजर आएगा। तो चलिए इस खूबसूरत नजारे के साथ ही आपको सुनाता हूँ मेहरानगढ़ के उस सच्ची घटना की कहानी, जिस वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है तब, जब राव जोधा किले का निर्माण करने के लिए एक स्थान का निरीक्षण करने पहुंचे। वो वहां पर देखते हैं कि एक बकरी को एक शेर से लड़ते हुए, और ऐसा देखकर वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और फैसला लेते हैं कि वो किले का निर्माण इसी स्थान पर करेंगे। जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया, उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियानाथ की डूंग। यहाँ पर कुछ जल स्रोत भी थे और यहाँ पर एक योगी भी रहा करते थे, जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब योगी को बताया गया कि राजा इस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करने वाले हैं, आपको अपनी इस कुटिया को यहाँ से हटाना होगा,
तो योगी नहीं माने और उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन राव जोधा को इससे उपयुक्त जगह और कहीं नजर नहीं आ रही थी और उन्होंने यहीं पर किले का निर्माण शुरू कर दिया। फिर योगी चिड़ियानाथ ने गुस्से में आकर अपनी कुटिया उजाड़ दी और जाते जाते राव जोधा को श्राप दिया कि जिस पानी की वजह से तुमने मेरी साधना भंग की है वही पानी अब तुम्हें नसीब नहीं होगा, ये पानी सूख जाएगा। और योगी के श्राप से कुछ ऐसा ही हुआ, जोधपुर में पानी की कमी आने लगी। तब राजा ने इस सिचुएशन को देखकर योगी से माफी मांगी और माफी मांगने पर योगी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर जीवन की बलि देनी होगी। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे तब राजा राम नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। जब राजा राम को एक शुभ दिन पर शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके, तो ये वो सच्ची घटना की कहानी है जिस वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। तो इस कहानी को सुनाते हुए हम पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे की ओर, जहां पर यहां के लोकल आर्टिस्ट हमारा स्वागत करते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल अंदाज में। अब यहां से हम प्रवेश करने वाले हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे की ओर, जिसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल के पास आपको कई सारे हाथों के निशान, कई सारे हाथों के छाप नजर आएंगे। ये उन रानियों की निशानी है जो सती हुई थी। लोहा पोल को पार करते ही शुरुआत होती है राजमहल की। यहाँ पर अंदर हमें कुछ दुकानें नजर आती है जहाँ से हम राजस्थानी ट्रेडिशनल चीजें खरीद सकते हैं। इसी के सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप भोजन भी कर सकते हैं और यहीं से जाता है राजमहल में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता। इस द्वार का नाम है सूरज पॉल, जिसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करते ही हमें काफी सारी सीढ़ियां पार करनी होती है और फिर अब हम पहुँच जाते हैं राजमहल में। यहाँ पर जो आसन है इस पर बिठाया जाता था बावी राजा को और राज तिलक करके उन्हें राजा घोषित किया जाता था। मेहरानगढ़ फोर्ट की खास बात है कि यहाँ की बारीक कारीगरी देखिए, कितनी खूबसूरती से इन डिजाइन को बनाया गया है और कितनी बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है। तो चलिए प्रवेश करते हैं हाथी ओदा खाने में। ओदा मतलब राइडिंग सीट, जो की एलिफेंट की बैक पर रखी जाती थी, जिस पर राजा और महावत बैठा करते थे। आपको यहाँ पर हाथी के ओहदे आपको दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ सोने के बने हैं, कुछ चांदी के, कुछ इतनी महीन कारीगरी के साथ बने हैं जो कि वाकई देखने लायक है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पालकी खाना। यहाँ पर रखी विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा प्रयोग में ली जाती थी। ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये है डोली, जो कि शादी के दौरान उपयोग में ली जाती थी। यहीं पास में एक शॉप है जहाँ पर आप फोटो क्लिक एंड फ्रेम करवा सकते हैं रॉयल अंदाज में, और एक फोटो फ्रेम का चार्ज है करीबन 1000 रुपीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दौलत खाना चौक की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं दौलत खाना चौक। यहाँ पर बीच में खड़ी होकर जब देखें तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत नजारा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके के ट्रेडिशनल राजस्थानी साफे बनवा सकते हैं, जिसका चार्ज है 100 रुपए प्रति पर्सन। तो यहाँ से अब हम प्रवेश करते हैं दौलत खाने के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक चीजें। ये आपके सामने जो पालकी दिखाई दे रही है, इस पर प्योर सोने का वर्क किया गया है जो कि देखने में वाकई प्यारी नजर आती है। यहाँ पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार। इसी के साथ यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे कि पुरानी ढाल, तलवार, बंदूकें, ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ है देखने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर। यहाँ पर कोर्टली लाइफ ऑफ मारवाड़, यानी कि मारवाड़ का दरबारी जीवन को पेंटिंग में दर्शाया गया है। महाराजाओं के सभापतित्व में जो भी सभा होती थी उनको दरबार कहा जाता था। इस दरबार में ठाकुर और महाराजाओं के अधिकारी गण भाग लेते थे। थार के रेगिस्तान में स्थापित राठौड़ राजवंश की राजधानी जोधपुर थी। राठौड़ के राजकाल में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत का निरंतर विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रकला का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ और प्रत्येक राजाओं के राजकाल में अनेक प्रसिद्ध चित्रकार हुए, जिन्हें राजाओं की ओर से राज्य आश्रय प्राप्त हुआ। तो अब ये तो बात हो गई ऐतिहासिक जानकारी की, लेकिन अब आप इस मिनिएचर पेंटिंग को जरा गौर से देखिए। अब आप इस पेंटिंग को टॉर्च डालकर देखेंगे तो आपको इस पेंटिंग की बारीकी सामने नजर आएगी। जितनी भी आपको यहाँ पर ये येलो कलर का काम दिख रहा है, ये सारा का सारा प्योर गोल्ड का काम है
और यहाँ पर जितने भी कलर यूज किए गए हैं ये सारे के सारे नेचुरल कलर है, जो कि नेचुरल एलिमेंट होते हैं उनको यूज करके इन पेंटिंग्स को बनाया गया था। जब आप टॉर्च डालकर देखते हैं तो हर चीज की बारीकी आपको सामने नजर आती है। यहाँ पर ऐसी और भी कई सारी मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन जो मटेरियल इस मेजर पेंटिंग को बनाने में उपयोग में लिया जाता था वो प्योरली नेचुरल हुआ करता था। जैसा कि आप यहाँ पर गोल्ड कलर देख पा रहे हैं, ये प्योर सोना है, प्योर सोना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले के ऊपर की ओर। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर काफी सारे टेंट्स हैं जो कि राजा महाराजाओं के ठहरने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। जब भी राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे तो इसी तरह के टेंट्स थे जो वहाँ पर लगाए जाते थे, और इस तरह के कारपेट जो कि वहाँ पर बिछाया जाता था और राजा को ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाक भी संग्रहित करके रखी हुई है, जैसे कि महिलाओं की पोशाक, अचकन, राजा महाराजाओं की पसंदीदा पोशाक, अंगरखा। यहाँ पर काफी बारीकी से बने हुए पर्दे जिन्हें खिड़कियों पर लगाया जाता था, और काफी सारे बिछौने जिन्हें जमीन पर बिछाया जाता था। यही पास में स्थित शीश महल है जहां पर आपको अद्भुत कांच की कारीगरी देखने को मिलेगी। यहां पर उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिजाइन किए गए, जो कि दीपक की रोशनी में चिल मिलाते थे। प्लास्टर से बने हुए विभिन्न धर्म चित्रों के साथ सजावटी दर्पणों को अच्छी तरीके से पूरक किया गया था, जो कि उस समय की कला पर धर्म और संस्कृति का मजबूत प्रभाव दिखाता है। कई सजावटी पैनल भगवान ब्रह्मा, श्री राम, भगवान शिव और पार्वती, बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण आदि जैसे देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया था। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष था, जिन्होंने 1679 से 1724 के बीच जोधपुर में शासन किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फूल महल की ओर और देखिए कैसे महल के अंदर ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं जिन्हें पार कर हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियां हैं, इन्हें चढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे फूल महल में। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ में स्थित फूल महल में। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता आदि असली सोने के काम के चित्र करवाए गए हैं। वही दोस्तों 36 राग रानियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है। इस चित्रांकन में लाल, नीले, सफेद और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता से किया गया है। छत में चारों स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं और महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पे बने हुए हैं। उत्तर पूर्व की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना हुआ है, जो मारवाड़ के राजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। फूल महल असंख्य उत्सवों और आयोजकों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लग जाए, इसीलिए काले धागों की गुच्छे चारों कोनों पर लटकाई गई है। इस महल में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिल भी होती थी, इसीलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित आर्मरी, यानी वो स्थान जहां पर अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। यहां पर आपको दिखाई देंगे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले कई सारे हथियार, जैसे कि बंदूकें, खंजर, कटार, ढाल, तलवार, हेलमेट, कवच और भी बहुत कुछ है देखने को। अब हम पहुंच चुके हैं तख्त विलास में। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था, यह उनके रहने का स्थान हुआ करता था। महाराजा तख्त सिंह जी जिनका शासन काल 1843 से 1870 तक रहा, ये जोधपुर के आखिरी शासक थे जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रहे। तख्त विलास काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनवाया गया। इसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज माइन, यानी कि ब्रिटिश के टाइम के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तख्त विलास में काफी खूबसूरत पेंटिंग है जो कि दीवारों और छत पे की गई है। तख्त विलास से आगे चले तो हमें बहुत ही खूबसूरत खिड़की और दरवाजे नजर आते हैं, जो कि पुराने टाइम में उपयोग में लिए जाते थे। इन खिड़की और दरवाजों की खास बात यह है कि इनकी कारीगरी, इनमें इतनी बारीकी से, इतनी महानता से काम किया गया है जो कि देखने लायक है। यहीं पर एक बालकनी है जहां से जोधपुर शहर और किले का निचला हिस्सा नजर आता है। यहां से वो रास्ता नजर आता है जहां से चढ़ाई करते हुए हम किले के ऊपर तक पहुंचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के जनाना सेक्शन में, जहां पर सर्वप्रथम वो स्थान होता था जहां पर रखा जाता था हिसाब किताब। राजपूत राजमहल जहां पर रानियों, राजमाताओं, राजकुमारियों और पासवानियों का निवास स्थान होता था, उसे जनाना कहते थे।
जोधपुर और अन्य राजपूत राजधानियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। जनाना में प्रवेश निषेध था। केवल महाराजा और निकटतम संबंधी ही जनाना में जा सकते थे। राज परिवार की महिलाओं को अपने निजी खर्च के लिए गांव प्रदान किए गए थे। अनेक रानियों और पासवानियों द्वारा लोक हितार्थ मंदिर, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। कई रानियां तो विदुषी और कवियत्री थी। राजघरानों में होने वाले विवाह और त्योहारों पर होने वाले उत्सवों का संचालन रानियों द्वारा खुद किया जाता था। ऐसे अवसरों पर काफी मात्रा में सेवादारों और धन की आवश्यकता रहती थी, जिसका प्रबंध रानियों द्वारा स्वयं किया जाता था। महाराजा मान सिंह जी एवं तख्त सिंह जी के समय में बने चित्र ये दर्शाते हैं कि रानियां शिकार और चौगान के खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। जनाना सेक्शन में महरानगढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा रूम है, जिसे कहा जाता था मोती महल। इसका नाम मोती महल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी दीवारों पर जो प्लास्टर है उसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी है कि मानो एक मूर्ति हो। इस महल के प्लास्टर में प्रयोग किया गया है सी सेल यानी कि संघ के अवशेष। सीपीओ के फाइन पाउडर का चूने के साथ प्रयोग किया गया है, जिससे कि दीवारें मोती समान लगती है। महल की सुंदरता बढ़ाते हैं यहाँ के रंगीन कांच, खिड़कियाँ, सोने की पत्तियाँ और सीसेल। इस भव्य हॉल को स्पेशल ओकेशन के दौरान ही प्रयोग में लिया जाता था, जैसे कि फेस्टिवल और सेलिब्रेशन के लिए। ऐसा माना जाता है कि रानियाँ यहाँ पर बैठती थी और अन्य लोगों द्वारा देखे बिना अदालतीय कार्रवाई सुनती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जनाना सेक्शन से। यहाँ पर आपको कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी चीजें नजर आएगी, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलने पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर नजर आएगा, जहाँ पर हम उनके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद यहीं से जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित पैलेस से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन अभी मेहरानगढ़ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखना बाकी है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि यहाँ की बारीक कारीगरी इतनी खूबसूरती से और इतनी बारीकी से काम किया गया है, जो कि देखने लायक है। यहाँ पर आगे चले तो बहुत ही बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ आपको नजर आएगी, जो कि पुराने जमाने में उपयोग में ली जाती थी। वही इसी के साइड में आप देखेंगे तो आपको कई सारे लाइनसर कमरे नजर आएंगे। इन कमरों में वो लोग रहा करते थे जो महल की वॉल पर लगी तोपों को चलाने का काम किया करते थे, और इनको तोपचे कहा जाता था। तो चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं और वॉल पर लगी तोपों पर नजर डालते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग में, जहां पर तैनात है कई सारी तोपें। तोपों की साइज और पैटर्न काफी मैटर करता है, और इनमें से काफी सारी तोपों की मारक क्षमता भी काफी दूर की है। मेहरानगढ़ दुर्ग पर ये तोपें इसी तरह तैनात रखी जाती थी दुर्ग की सुरक्षा के लिए, और ये तोपें इस दुर्ग और जोधपुर की सुरक्षा में काफी अहम भूमिका निभाती थी। वही दुश्मन की सेना को निश्चय नाबूद करने में इन तोपों का बहुत बड़ा हाथ होता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं माँ चामुंडा माता के मंदिर की ओर। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की इष्ट देवी है। माँ चामुंडा के इस मंदिर की स्थापना 1459 में राज जोधा जी ने की थी। पहले माँ चामुंडा की यह प्रतिमा जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर में स्थापित थी, लेकिन जब मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया तो मंडोर से माँ चामुंडा की प्रतिमा को लाकर दुर्ग में स्थापित की गई। पहले माँ चामुंडा के बारे में जोधपुर और आसपास के लोग ही मानते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन माँ चामुंडा के बारे में लोगों का विश्वास युद्ध के बाद बढ़ता चला गया। और लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे की वजह के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 में युद्ध हुआ तो सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था, और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी तरह का कोई भी नुकसान जोधपुर को नहीं होने दिया था। तब से जोधपुर वासियों में माँ चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है, और आज भी आप देखेंगे तो आपको मेहरानगढ़ के ऊपर कई सारी चीलें मंडराती हुई नजर आएगी। और जब आप माँ चामुंडा माता के मंदिर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको जोधपुर शहर का एक अद्भुत नजारा नजर आएगा। जैसा कि कहा जाता है कि जोधपुर इज द ब्लू सिटी, तो यहाँ पर आपको अधिकतर घर नीले कलर से रंगे हुए नजर आएंगे। ये सभी नीले घर ब्राह्मण लोगों के हैं। पुराने समय में नीला रंग कराने का उद्देश्य प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कि जिस घर में नीला कलर है वह ब्राह्मण का घर होगा। और नीला रंग कराने का एक और भी उद्देश्य है कि जोधपुर में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी, तो नीला रंग कराने से घर में थोड़ी ठंडक बनी रहती थी। और दोस्तों, अगर आप भी जोधपुर ट्रेवल का प्लान बना रहे हैं तो आप भी बस, ट्रेन या फिर एयरलाइंस का यूज करके इजीली जोधपुर पधार सकते हैं। तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग का आखिरी पॉइंट। अब हमें निकास की ओर आगे बढ़ना होगा।
यहाँ पर जाने आने का एक ही रास्ता है, तो अब हमें प्रस्थान करना होगा उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम किले में आए थे। तो दोस्तों ये था जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।